हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि समर के टाइम में जब मैं नहा के निकलती हूँ तो अपने फेस के ऊपर क्या अप्लाई करती हूँ। ये जो अप्लाई करती हूँ ना अपने फेस के ऊपर, तो ये सूट करता है मुझे। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता आपके भी फेस के ऊपर ये सूट करे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैं अभी नहा के आई, कुछ लगाया अपने फेस के ऊपर, तो जब विंटर का टाइम था ना गाइस, तो मैं क्या करती थी कि ये है पोमेग्रेंट ऑयल है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ये रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक तो ये यूज करती हूँ। सेकंड जो है गाइस वो ये है ऑरेंज ऑयल, ये तो मैं यूज करती ही करती हूँ। तो जब विंटर का टाइम था तो मैं ये पोमेग्रेंट ऑयल और ये जो था ऑरेंज ऑयल और ये जोजोबा ऑयल, इन तीन चीजों को मिक्स करके लेती थी, एज ए सीरम ही वर्क करता था। और अब जब गर्मी का टाइम है तो मैं क्या करती हूँ, उसको रहने दिया है, जोजोबा ऑयल को मैंने रहने दिया है। ये किसी फेस पैक वगैरह में लगा के मैं यूज कर लेती हूँ। और अब मैं क्या करती हूँ गाइस कि ये जो एलोवेरा जेल है ना, इसको मैं ऑयल के अंदर डालती हूँ और तब अपने फेस के ऊपर लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना कि स्वेलिंग फेस के ऊपर ज्यादा आती है। तो एलोवेरा जेल काफी ज्यादा अच्छा होता है फेस के लिए समर में। कुछ मैं फेस के ऊपर कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं यूज करती हूँ। तो इसको इसका जो है वन ड्रॉप लेना है पोमेग्रेंट ऑयल का, सॉरी इधर गिर गया, और ये ऑरेंज ऑयल है तो इसको हम ले लेंगे। जो ऑरेंज ऑयल होता है इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। देन इसके अंदर लेना है एलोवेरा जेल, देख सकते हो, और इसको मिला के पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है। ये जो आप इतने महंगे महंगे जो सीरम खरीदते हो ना अलग से, ये रेटिनोल वाले और विटामिन सी वाले बहुत ही महंगे आते हैं वो। तो गाइस अगर आप इस तरीके से यूज करोगे ना, तो विटामिन सी की वजह से जो आपकी स्किन है वो धीरे धीरे लाइट होती जाएगी, और जो ये पोमेग्रेंट वाला जो है ना, इसकी वजह से रिंकल्स फ्री हो जाएगी आपकी स्किन, जो भी फाइन लाइन्स वगैरह वो भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको एक दो मिनट इसको रब कर लेना है। ये एक सीरम की तरह बन जाता है, और जब आप इसको लगाते हो ना, मसाज करते हो, तो पूरे स्किन के अंदर चला जाता है। आपकी जो स्किन है बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी लगाया है और मेरी स्किन के अंदर ये चला गया है। हमेशा से आदत है गाइस कि जब मैं कोई चीज अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ ना, तो उसको पूरे नेक पे जरूर लगाती हूँ। तो ये आपको भी करना चाहिए। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अगर आप कोई क्रीम यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, तो आप उसमें भी ये दोनों चीजें मिला के लगा सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाती, ये एलोवेरा जेली मुझे सूट करता है तो मैं यही लगाती हूँ। और अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है तो आप इसको अवॉइड कर दे, और ये जो ऑरेंज ऑयल है और एलोवेरा जेल को मिला के आप लगा सकते हो। मेरी जो स्किन है ना गाइस, मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, और जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो मेरी स्किन के साथ तो ऐसा होता रहता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑरेंज ऑयल जो यूज करते हो, विटामिन सी वाला जो भी आप ऑयल यूज करते हो, क्रीम या कुछ भी यूज करते हो ना, तो उसको लगाने के बाद जो भी चीज आपको हीट देती है ना, गर्मी देती है, जैसे कि अगर आप चूल्हे के पास खड़े हो या फिर आप धूप में जा रहे हो, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आपको डे में न लगा के नाइट में लगाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें। ओके, बाय।